नगर विकास आवास एवं परिवहन विभाग में उन्होंने कौन कौन से काम किए और क्या किया, तो देखा कि सिर्फ दो चीजें मुझे नजर आई। एक जो पिछले रविवार दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, जिसमें मैं नगर विकास मंत्री था, हमारे ही कार्यकाल में 3 फेज का हमने पेयजल के लिए काम किया था, जिसमें 1 फेज का काम आपको अभी चल रहा है, आप बगल में जाकर के ही देख सकते हैं, श्री पटेल पार्क में बहुत बड़ा टावर बन रहा है, ऐसे ऐसे 14 टावर बन रहा है जो एनएनटी के माध्यम से हो रहा है। फिर सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज, उसी में से 1 फेज का इन्होंने शिलान्यास किया है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी लगभग 80 लाख के करीब, यदि वास्तव में देखा जाए तो शहरी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी कुल आबादी का 1/3 है। जीडीपी में शहरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, वैसी स्थिति में शहर के विकास की ओर भी ध्यान देना सरकार का दायित्व बनता है। सीपी सिंह जी जो कह रहे हैं, और वो एक भाजपाई हैं और भाजपा के नगर विकास को मंत्री भी रह चुके हैं, और भाजपा के मतलब ही होता है भारी झूठा पार्टी। सीपी सिंह अपने 5 साल के कार्यकाल में नगर विकास से उन्होंने क्या किया, कभी नाली लगाने का काम किया, फिर उसको कोड़वाने का काम किया, यही किए। आज जो नगर में जो हमारे मेयर और डिप्टी मेयर हैं सीपी सिंह के कार्यकाल में, इन लोग खाली बंदर बांट पैसा और कमीशन के चलते लड़ता रहा, कभी नगर आयुक्त के साथ तो कभी मेयर तो कभी डिप्टी मेयर, ये तो इनके कार्यकाल का कारनामा था। और दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है, पहले ये अपने गरीबों को झांक ले और देखे कि हम 5 साल में क्या रांची को दिया है, रांची के बारे में बात करते क्या दिया है। उनका थर्मो पुल का देख लीजिए हालात, डिक्शनरी का देख लीजिए हालात, बरसात आती है तो जैसे माटी खेत में बहता वैसे बह गया है, करोड़ों का प्रोजेक्ट, और कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहा है। हम तो अभी झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि सीपी सिंह का जो 5 साल का जो कार्यकाल था उसकी जांच किया जाए। जोहार, मैं नगेंद्रनाथ गोस्वामी, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के उपाध्यक्ष, सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। डॉक्टर रमेश प्रसाद, संचालक सिंकू नर्सिंग होम का, मैं समस्त दिल्ली वासियों को और समस्त देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि लोग शांतिपूर्वक नव वर्ष को मनाएं। जोहार, मैं सीमा कुमारी गोंजू, मुखिया लुपुंग पंचायत सिल्ली। मैं समस्त सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों एवं समस्त भारत वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। मैं सिल्ली वासी, झारखंड वासी और देशवासियों को नौ वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नौ वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। जब टूटती है आस,
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।